हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि हम यूजर्स से परमिशंस कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड्स के अंदर। सो अगर आपको परमिशंस के बारे में पता है देन वेल एंड गुड, एंड अगर आपको नहीं पता है परमिशंस के बारे में, सो टू कीप इट सिंपल, एंड्रॉयड्स में कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें यूजर की परमिशन लगती है। ओके, विदाउट परमिशन वी कांट डू एनीथिंग इन एंड्रॉयड। सो सिंस हम लोग एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम लोग स्टोरेज की परमिशन यूजर से एक्सेस करेंगे, क्योंकि इस एप्लीकेशन में हमारे पास कुछ रीनेम एंड डिलीट के फीचर्स भी होंगे, एंड फॉर दैट फीचर्स वी नीड यूजर्स परमिशन। ओके, सो फॉर रिक्वेस्टिंग परमिशन, सबसे पहले हमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाना है एंड परमिशन डिक्लेयर करनी है। सो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आ जाओ, एंड इसके अंदर यहाँ पे ऊपर मैं एक परमिशन रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। दिस ऐप यूजर्स परमिशन एंड उसका नेम है राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। ओके, ये परमिशन मुझे चाहिए राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, एंड यहाँ पे भी मुझे कुछ वार्निंग दिखा रही है। सो इस वार्निंग को फिक्स करते हैं। सो ये मुझे कह रहा है कि ये एंड्रॉयड 10 प्लस डिवाइसेस पे वर्क नहीं करेगी। जनरली एंड्रॉयड 10 पे भी वर्क नहीं करती। ओके, अगर एंड्रॉयड 10 या उससे हायर एंड्रॉयड्स पे आप ये परमिशन रिक्वेस्ट करते हो, इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ रीड की परमिशन मिलती है, राइट की नहीं मिलती। मीन्स आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते। सो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर स्कोप स्टोरेज, एंड उसके बाद मैं एक चीज़ और कर लेना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ वार्निंग से मैं उन्हें हटा देता हूँ। सो सेट बैकअप एट्रीब्यूट मोर एक्शंस एंड इग्नोर, एंड उसके बाद और भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है, सिंस मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्टिविटी है सिर्फ पोर्ट्रेट में वर्क करे, लैंडस्केप में वर्क नहीं करनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन सेट करने वाला हूँ, स्क्रीन ओरिएंटेशन विच इज़ पोर्ट्रेट, एंड यहाँ पे भी मुझे एक वार्निंग दिखाएगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप फुल सेंसर यूज़ करो, मतलब हर टाइप की स्क्रीन ओरिएंटेशन, सिर्फ पोर्ट्रेट मत रखो। बट मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, दैट्स इट। ओके, सो मैनिफेस्ट का काम हमारा हो चुका, हमने परमिशन रिक्वेस्ट कर दी है। अब मेन एक्टिविटी में हमें रिमेनिंग वर्क करना है। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो हमारे लिए परमिशन रिक्वेस्ट करके देगा। सो फॉर रिक्वेस्टिंग परमिशन, एंड ये फंक्शन एंड्रॉयड 9 तक वर्क करेगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड हायर्स पे भी वर्क करेगा। बट जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ रीड की परमिशन देता है, एंड मैं इसको बना लेता हूँ जैसे प्राइवेट फन रिक्वेस्ट रन टाइम परमिशन नाम रख रहा हूँ मैं इसका। आप अपने हिसाब से कोई भी नेम रख सकते हो, डजेंट मैटर्स एट ऑल। एंड उसके बाद ये फंक्शन एक बूलियन रिटर्न करके देगा, विच मीन्स ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करके देगा कि परमिशन हमें मिली है कि नहीं। सो सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ क्या यूज़र ने मुझे परमिशन दी है। सो एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, एंड इसके अंदर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना है दिस कॉमा। अब कौन सी परमिशन चेक करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट अंडरस्कोर एक्सटर्नल अंडरस्कोर स्टोरेज। ओके, एंड ये मुझे कहेगा इसे इम्पोर्ट कर लो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट परमिशन से। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इम्पोर्ट इट, एंड ठीक है। एंड उसके बाद अगर ये इक्वल टू नहीं है, इफ नॉट इक्वल टू मतलब अगर हमें परमिशन नहीं मिली है, एंड यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। सो क्या ये परमिशन ग्रांटेड है या नहीं, एंड कर्ली ब्रेसेस, एंड ये फंक्शन जो है या ये जो इफ स्टेटमेंट है वो चेक करेगी क्या यूजर ने हमें परमिशन दी है राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की। अगर नहीं दी है तो हमें रिक्वेस्ट करनी है। सो यहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, एंड यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट मीन्स एक्टिविटी को पास करना पड़ता है दिस, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है हमें परमिशन का एक एरे पास करना पड़ता है। सो एरे ऑफ यहाँ पे अगेन राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन, एंड उसके बाद जो थर्ड थिंग है वो है रिक्वेस्ट कोड। सो मैं यहाँ पे लेट्स से 13 पास कर रहा हूँ, जस्ट मुझे नंबर पसंद है डैट्स वाई। एंड उसके बाद रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिली है, एंड अगर परमिशन मिली है तो जस्ट रिटर्न ट्रू। ओके, सो ये फंक्शन हमारा ये एक काम कर देगा कि इट विल चेक परमिशन, एंड उसके बाद अगर परमिशन ग्रांटेड है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं ग्रांटेड है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, एंड अब हमें एक फंक्शन को और ओवरराइड करना है ऑन रिक्वेस्ट परमिशंस रिजल्ट। जब परमिशन का रिजल्ट आए तब क्या होना चाहिए, सो वो भी हमें यहाँ पे हैंडल करना है। ओके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूजर ने परमिशंस ग्रांट कर दी हो
सो हमें किस तरह से उस सिनेरियो का हैंडल करना चाहिए हम इस फंक्शन में बताएंगे. सो मैं थोड़ा सा कोड को रिफैक्टर कर रहा हूँ एंड इस सुपर डॉट ऑन रिक्वेस्ट रिजल्ट के नीचे मैं कुछ लिखूंगा. इफ रिक्वेस्ट कोड, हमने वहाँ पे एक रिक्वेस्ट कोड पास किया था विच इज 13. सो यहाँ पे भी हमें एक रिक्वेस्ट कोड मिला, अगर वो 13 है एंड उसके बाद इफ ये जो ग्रांट रिजल्ट नाम का यहाँ पे एक एरे है समथिंग, ये एरे है जो हमें बताता है कि रिजल्ट ग्रांट हुआ है कि नहीं. सो ग्रांट रिजल्ट्स एंड एट इंडेक्स 0 इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड. अगर परमिशन ग्रांटेड हो गई तो मैं सिंपली अभी फिलहाल के लिए एक टोस्ट मैसेज शो कर रहा हूँ. मेक टेक्स्ट दिस कॉमा एंड यहाँ पे परमिशन ग्रांटेड एंड कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट एंड डॉट शो एंड एल्स. अगर रिक्वेस्ट कोड ये नहीं है इसका मतलब हमें परमिशन ग्रांटेड नहीं हुई है. एंड ये जो इफ एल्स है ये नीचे वाला इफ एल्स है. ओके सो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मुझे एक एंड ब्रेसेस भी डालना पड़ेगा. ठीक है, मैं इस इफ एल्स को चेक कर रहा हूँ ये नीचे वाला. एंड एल्स यहाँ पे अगेन परमिशन रिक्वेस्ट होनी चाहिए. सो मैं इस ऊपर वाले कोड को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ नीचे पेस्ट करने वाला हूँ मैं इस कोड को. सो ये जो कोड है वो हमारे लिए परमिशंस का सारा काम कर देगा. हमें सिर्फ इस एक बार इस फंक्शन को कॉल करना है रिक्वेस्ट रन टाइम परमिशन एंड उसके बाद वो चेक करेगा क्या हमें परमिशन है कि नहीं राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की. अगर नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करेगा एंड अगर है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा, विच मीन्स हमें कुछ नहीं करना. एंड जब रिजल्ट आएगा उस समय हम लोग चेक करेंगे क्या हमें वो परमिशन मिली है या नहीं मिली है. ओके सो अगर हमें वो परमिशन ग्रांटेड है तो एक सिंपल सा टोस्ट मैसेज आएगा परमिशन ग्रांटेड, अगर नहीं है तो फिर से रिक्वेस्ट करो. एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल परमिशंस यूजर से आस्क कर सकते हो इस एरे के अंदर कॉमा कॉमा करके एंड एक एक करके सबको रिक्वेस्ट करके चेक कर सकते हो. बट इन आर केस हमें सिर्फ एक परमिशन चाहिए, हमें सिर्फ इस फंक्शन को एक बार कॉल करना है. सो मैं इसे सेट कंटेंट व्यू के बाद कॉल कर रहा हूँ रिक्वेस्ट रन टाइम परमिशन एंड हमारा काम हो जाएगा. बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो फंक्शन है वो API लेवल 28 तक ही वर्क करता है, विच मीन्स एंड्रॉयड 9 तक ही वर्क करता है ये राइट एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन. ओके उससे हायर जो डिवाइसेस होंगे अगर हम उन पे मांगे फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड 10 तो वो हमें सिर्फ रीड की परमिशन देगा, राइट की नहीं देगा. एंड्रॉयड 11 उसमें भी सिर्फ रीड की परमिशन या 12 में भी. सो हमें एप्लीकेशन में आना है, यहाँ पे एक और टैग यूज़ करना है विच इज़ रिक्वेस्ट लेगेसी एक्सटर्नल स्टोरेज एंड इसे ट्रू कर दोगे तो हमें एंड्रॉयड 10 तक के डिवाइसेस पे राइट की परमिशन ग्रांटेड कर दी जाएगी विच इज़ API 29. बट एंड्रॉयड 11 एंड एंड्रॉयड 12 पे फिर से कुछ इश्यूज हो गए. सो फॉर देम वी विल ऐड सम डिफरेंट कोड इन द फ्यूचर वीडियोस. ओके सो फिलहाल के लिए हमें जो रीड की परमिशन है हर एंड्रॉयड वर्जन पे मिल जाएगी बट जो राइट की है वो नहीं मिल रही. सो एंड्रॉयड 11 एंड 12 के लिए जो कोड है हम लोग फ्यूचर में करेंगे. फॉर नाउ हम इस एप्लीकेशन को एक बार रन करके देखते हो अपना डिवाइस कनेक्ट करके. सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है. सो यहाँ पे मुझे एक अलर्ट डायलॉग दिखा रहा है जो मुझसे परमिशन पूछ रहा है. अगर मैं इसे डिनाई करता हूँ ये फिर से पॉपअप होता है और यही हम चाहते हैं क्योंकि बिना परमिशन के हम कर भी क्या सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में. सो अगर मैं इसे अलो करता हूँ तो एक टोस्ट आता है जो कहता है परमिशन ग्रांटेड, विच मीन्स हमें परमिशन मिल चुकी है, हम अपना फ्यूचर वर्क कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.